पे जो है मुस्तफ़ा जी खड़े हुए थे, तो मुस्तफ़ा भाई खड़े हुए थे, उनसे हमने सलाम दुआ की, ठीक है अब सभी व्यंजन स्प्रेड हुए, अब मामले पानी के ऊपर पानी डालेंगे, और इसमें मैंने थोड़े से छेद वेद कर लिए थे ताकि डालना पानी को आसान हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कलर का उगना शुरू हुआ है। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, आप सबका आज की वीडियो में भी तहे दिल से खुश आमदीद एक बार फिर। अब जो है मैं अभी CS का पेपर देके आया हूँ, आज पीर है, और CS का पेपर देने के बाद मेरी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मुझे होगी बहुत ज़्यादा बोरिंग। पेपर की पहले से बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले पेपर की बात करते हैं। पेपर ना आसान था ना मुश्किल था, नॉर्मल कैजुअल पेपर था, जो शुरू का 60 मार्क वाला होता है वो तो आ जाता समझ, 15 मार्क वाला है इनका समझ नहीं आता, वो मेरा हर बार ऐसे ही जाता, फॉर्मेट के 5 मार्क होते हैं तो वो तो मिल ही जाएंगे, उसके बाद जो होगा वो देखी जाएगी। मतलब एवरेज पेपर था, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी हार्ड। पेपर की बात ख़त्म हो गई। अब चूंकि मुझे पता है मेरी 15 दिन की ब्रेक है, और इस ब्रेक का सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, और यूट्यूब भी मैंने जितना था वो देख लिया हफ्ते एतवार में, तो अब जो मुझे लगता है ना मुझे करना है वो मुझे प्लांट उगाना, मतलब इसी तरीके से कुछ ना कुछ करता रहूँगा तो मेरा दिन गुजरता रहेगा, वरना दिन नहीं गुजरेगा, बस बात दरअसल कुछ ही होगा। तो इसीलिए हम लोग जाने वाले हैं अभी धनिया उगाने के लिए। धनिया उगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर देखते हैं हरी मिर्च वगैरह का क्या करना है। आई थिंक हरी मिर्च जो है ना मैं कल उगाऊंगा, और कल इसलिए उगाऊंगा क्योंकि कल सुबह अगर मैं उगाऊंगा हरी मिर्च, क्योंकि अभी मेरे पास एक तो गमला नहीं है, गमले का अरेंजमेंट नहीं है, गमला फिर मिल भी जाए मुझे तो गमला मिलने के बाद जो है हरी मिर्चें नहीं मिलेंगी मुझे, हरी मिर्ची भी यानी लेनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर खाद भी चाहिए होगी, क्योंकि एक पौधे का अरेंजमेंट है, एक मेरे पास एक चीज़ है जिसमें मैं उगा सकता हूँ लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं, तो अभी जल्दी से चलते हैं और जाके पौधा उगाते हैं। पेपर आज ही ख़त्म हुआ, लेकिन जो बोरियत थी आज वो उसका कोई मुकाबला नहीं है, मतलब इतनी गंदी बोरियत हो रही थी आज, तो इस बोरियत का हल मिटाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ उगा लिया जाए, तो मैंने साबुत धनिया ले लिया, मैंने कहा हरा धनिया उगाता है आज, मतलब मैंने पहले भी बहुत बार कुछ ना कुछ उगाया लेकिन मैंने कभी पानी नहीं दिया, ये बाहर का पौधा है तो इधर माली रोज़ पानी देता ही है इस पौधे को, लेकिन इसमें कुछ है नहीं तो फ़ायदा नहीं है, तो मैंने इसे यूटिलाइज़ करते हैं, इसमें साबुत धनिया डालते हैं और इसको उगा लेता है। बाल पहले सही कर लूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा है इसे, अब थोड़ी थोड़ी फील आ रही है, लेकिन मसला पता है क्या, मसला ये है कि इधर है पीछे गटर, सही है, अब एक बार ऐसी हुआ था मैं इधर से जा रहा था तो चूहा मेरे पाँव पे चढ़ता हो गया था, तो ये डर लग रहा है चूहा वापस लग रहा है, लेकिन अब हम इसे उगाते हैं बगैर किसी टेंशन के, सही है। तो ये गमला जो है ना मैंने साफ़ कर लिया, मतलब इसका सारा कचरा जो है नीचे फेंक दिया जो फेंकने का था, मतलब ये ऐसा साफ हो चुका है उस पर डल सकता है, तो इसमें भी खड्डे करते हैं सबसे पहले, जैसा हमने थोड़ा थोड़ा वीडियोज़ वगैरह में सीखा है वैसे करते हैं इसको खड्डे। तो भाई डिग जो है ना ये हो चुका है, और अब इसमें जो है हम ये डालने वाले हैं थोड़े थोड़े सीड जैसे करके, सही है, एक जगह पे थोड़े से डाल दिए, एक जगह पे थोड़े से डाल दिए, फिर इनको फ़िलहाल जो है ना मैं ऐसे करके खाली कर लेता हूँ, अब हम इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे और ये सारे गिर गए, वरना इसमें मिट्टी रहेगी तो ये खाने का है तो बाद में मसला हो सकता है, मतलब मार मार पड़ सकती है, तो इसलिए इसको हटा के अब इसको स्प्रेड करना है, तो इवनली स्प्रेड हमने करनी है। अब हम जो है ना इसकी थिकनेस के हिसाब से इसके ऊपर जो है थोड़े थोड़े करके ना मिट्टी डाल देंगे, जितने सीड की थिकनेस है उतनी, कि सीड बस हल्के हल्के से कवर हो जाए, तो सारा मामला जो है वो सेट हो गया, मामला पानी सारा बैठ गया, सब इवनली स्प्रेड हो गया, अब मामले पानी के ऊपर पानी डालेंगे, और इसमें मैंने थोड़े से छेद वेद कर लिए थे ताकि डालना पानी को आसान हो, पानी इतना डालेंगे भाई ये 2 बार सोख हो जाए, लेकिन चूँकि जो है इसमें पहले भी पानी डल चुका है मतलब सुबह में, तो इसलिए हम बस 1 लेयर डालेंगे, 2 लेयर नहीं, इतना डालेंगे कि सीड की जो थिकनेस सीट के 1 इंच नीचे तक पानी चला जाए, सीट्स के सॉरी एक सीट नहीं शो कर रहे हैं हम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सीट ऊपर आ रहे होंगे नज़र आ रहे होंगे उनका मसला नहीं, उनको हम बाद में सेट कर लेंगे, पहले जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है पानी को डालना, पानी हमारा हो गया, एक बोतल थी वो बोतल हमने डाल दी, अब इसके ऊपर जो सीट नज़र आ रहे हैं ना उनको बस कवर करना है, ये कवर हो गए, एक यहाँ कवर हो गया, फिर और भी जहाँ जहाँ नज़र आ रहे हैं पड़ोस पड़ोस से खाद लेके, खाद अच्छी होनी चाहिए, चिकनी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मज़ेदार खाद हो तो मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा, ये 5 से 10 दिन में ग्रो हो जाता है, ज़्यादा दिन इनको नहीं लगते, और बस ये सारा सिलसिला चलता रहता है, दुनिया भी ऐसी चलती है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ रूल्स होता है, वो रूल्स फॉलो करोगे हर एक के कुछ ना कुछ रूल्स होता है, वो रूल्स फॉलो करोगे ना तो आला सीन हो जाएगा, मतलब अब ये सारा कवर हो गया, और अब इस गमले को वापस
एट इट्स डिजायर्ड प्लेस उधर डाल देंगे, हम उधर रख देंगे आएंगे भाई। वो पड़ा हुआ अपना पर्पल गमला, अपनी यहाँ से उस पर नज़र भी रहेगी, मैं अपने कमरे में ही हूँ। तो अभी आई हैव स्किप्ड द डेज और आज जो है मंडे के बाद आज थर्सडे आ गया, नहीं वेंसडे आ गया आज। और आज जो है हमने पौधा उगाया नहीं है अभी तक हरी मिर्च का, लेकिन उसका मैं दिखा देता हूँ कि वो वाला पौधा कितना उग चुका है। मतलब उसमें पांच जो है हमारे छोटे छोटे से उसमें वो आने शुरू हो गए हैं, पाँच क्योंकि चार से पाँच दिन हो गए पता नहीं थे, तो हाँ चार से पाँच ही हो गए थे, नहीं तीन दिन हुए बोलना, तीन दिन हो गए। तो इसकी वजह से हमारे कुछ उगना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ तो रही है उनकी। पानी तो मैं नहीं डालता, वो माली डालता है, वो बाहर आता है। तो अभी चार से पाँच दाने निकल दाने पत्ते निकल आए, वो चल के दिखाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कलर का उगना शुरू हुआ है पाँच दिन बाद। हरी मिर्च को छोड़ो, मैं एक सबसे पहले एक बात बता दूँ तुम लोगों को। तो भाई हुआ ही है दरअसल, अभी जो है ना, अभी नहीं मतलब कल रात की बात है, कल या परसों रात की। तो हुआ ये था कि वो क्या भादराबाद पे जो आप लोगों ने देखा होगा मुस्तफ़ा नीम वगैरह की वीडियो में, वगैरह की चलो मुस्तफ़ा नीम की वीडियो में देखा होगा, भादराबाद पे है, जिसने खाया उसको वैसे भी बताओ वरना सर्च कर लेना। तो उधर मैं गया था ऐसे ट्राई करने, और आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा था या सेकेंड टाइम कर रहा था, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन जैसे ही मैं गया तो वहाँ पे जो है मुस्तफ़ा नीम खड़े हुए थे, तो मुस्तफ़ा भाई खड़े हुए थे, उनसे हमने सलाम दुआ की, उनके साथ मैंने पिक्चर भी खिंचवाई है जो कि इस वीडियो के थंबनेल पे जाने वाली है। जाहिर सी बात है व्यूज़ भी तो चाहिए ना। अब उनके साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई एंड ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, बहुत जेन्युइन। मतलब उनसे मैंने पूछा मैं फ़ोटो खींच लूँ आपके साथ, पहले तो वो अच्छे से मिले थे सही है, उसके बाद मैंने पिक्चर का पूछा तो उन्होंने कहा हाँ दोस्त ले लो, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा सही आई है सही है। और उस वक्त तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन बाद में देखा तो मेरे चश्मे में जो वो वाला चश्मा मैं पहना हुआ था उसमें क्लियर आ रहा था। मैं काफ़ी ब्लॉग में बोल चुका हूँ ये क्लियर का बहुत ज़्यादा मसला होता है इसमें, लेकिन वो चश्मे की वजह से थोड़ी सी पिक्चर ख़राब हुई थी। खैर मैंने उसे एडिट करके जो है उसका क्लियर साफ़ कर दिया, और वो अपसेट लग रही है, कुछ बेटर हुई है वो। लेकिन इस तरीके से मैं मिला था एंड वो बहुत अच्छा है। अब कुछ लोगों को रूड भी लगे होंगे कोई मिला होगा तो, लेकिन वो फिर आपके रवैये पर बात है, आप किस तरीके से मिलोगे। अगर आप अच्छे से मिलोगे तो सही है अच्छी बात, अगर आप अच्छे से नहीं मिलोगे तो वो भी जाहिर सी बात है, मतलब भी आप सच्चे से नहीं मिलेगा। और अगर वो कहीं प्राइवेट जगह पे कुछ खा रहे पी रहे और फिर आपसे जाओगे तो फिर तब भी वो जाहिर सी बात है उसकी। तो इसी तरीके से हम मिले उनसे, हमारी सलाम दी हुई। वीडियो को मैंने सोचा था मैं बनाऊंगा, लेकिन उस टाइम पे जो है इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आया, मैं उनसे बोलूँ मैं वीडियो बना लूँ आपके साथ। मतलब अगली बार मिलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, कोई भी मिलेगा उसके साथ ज़रूर बनाएंगे, अब मिस करने वाला चांस नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर देता हूँ, उस दिन मैंने एक्सीडेंट रिकॉर्ड करना मिस कर दिया, और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में शायद एक बार हो रही हैं और इसके बाद नहीं होंगी, वो चीज़ें मैं मिस कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अब अगर कोई दिखेगा तो हम उसके साथ ज़रूर कितना कुछ बना लेंगे, बात कर लेंगे, मसला की बात नहीं है। खैर अभी जो है शाम हो रही है, मतलब धूप से लग नहीं रहा होगा, और मेरी हालत से भी बिकॉज पंखा मैंने बंद किया हुआ है अगेन फॉर वॉइस। अभी जो है तकरीबन बज रहे हैं आपके पौने पाँच, और मेरा प्लान है 6 बजे तक आज मैं जाऊंगा व्लॉगिंग को वॉकिंग पे हम जाने वाले हैं, वॉकिंग पे वॉक करने थोड़ा सा, क्योंकि बैठे बैठे ऐसे दिन नहीं गुजरता और गर्मी भी बहुत है, तो सोचा थोड़ा फ्रेश एयर मिलेगी किसी पार्क वार्क में, थोड़े से राउंड वगैरह लगाएंगे और इस तरीके से ये सीन करेंगे। अब रही बात हरी मिर्च की, तो हरी मिर्च हम कल उगाएंगे, मुझे गमले का मिल चुका है, गमले का अरेंजमेंट मैंने कर लिया, खाद का अरेंजमेंट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटे वाले पौधे में मैं उगाऊंगा ना तो वो तो इजीली उग जाएगा, लेकिन बड़े वाले पौधे के लिए मुझे ज़्यादा खाद चाहिए होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले पौधे में बाहर क्यारी से और इधर उधर से जो घर के बाहर क्यारी है और बाकी जो जगह है उधर से खाद जमा करके उसको तो फिल कर लूँगा, छोटा सा जो मतलब जो मीडियम साइज़ का होता है उसमें हम फिर हरी मिर्चें डाल देंगे, और जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रो होने लगेंगी तो माली से बोल के मैं खाद वाद मंगा लूँगा। और आई होप सो हरी मिर्च देर से ग्रो होती है मेरे ख्याल में, तो तब तक बकरीद भी आ जाएगी, खाद का तो अरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब बकरीद आ जाएगी से मुराद है जानवर आ जाएगा, तो फिर तो खाद ही खाद है ना भाई, बस मिट्टी चाहिए होगी, मिट्टी मिलाओ खाद बन जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। तो अभी बस पार्क चलते हैं, थोड़े से आराम करता हूँ, डायरेक्ट वहीं मिलता हूँ। माना रमज़ान ही है लेकिन गर्मी का तौर तो फिर भी रोक सा। ऐसा ऐसे भी होगा वीडियो बन करके ताकि मज़ा अच्छा सा है। पार्क
थी और मिट्टी पता नहीं थी तो वो सही, लेकिन देखने में तो और वैसे भी बिल्कुल सही थी, लेकिन उसकी क्वालिटी अंदर से कुछ ख़राब हो गई, उसका पता नहीं कुछ टूट गया था, कुछ मोची ने सही कर दिया। अब जाहिर है वो डेली यूज़ में यूज़ करनी पड़ेगी, वरना वो नई चप्पल थी तो मैंने उसे रख दिया था, लेकिन अब वो डेली यूज़ में यूज़ हो जाएगी। और फेंकने से बता दो, मैंने उसको सेट वेट कर लिया था, देख लेते बस बस यही था। और इस टाइम में पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और अब मार्केट का टाइम हो रहा है। आई डोंट थिंक अब जाने का फ़ायदा है पार्क, क्योंकि अगर अब मैं पार्क गया तो वहाँ पे मच्छर वगैरह वाला टाइम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा रश होगा, तो मैं सही से वॉक नहीं कर पाऊँगा। मतलब वॉक रश से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे बेसिकली जाना था बोरियत दूर करने के लिए। और अभी चूंकि मगरिब हो गई और फ़ौरन अभी रात हो जाएगी, मैं टीवी वीवी देखना शुरू कर दूंगा, तो टाइम पता नहीं चलेगा तब कब गुजर जाएगा। तो टाइम गुजारना तो, और ये ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो हम कल जाएंगे इंशाल्लाह, कल या परसों में चक्कर लगा लेंगे। आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।